हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्वेस्टमेंट का बाजार और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के शेयर के ऊपर। दोस्तों, कब होगा टाटा पावर का शेयर 250 रुपये के पार और कब ये रेंज का ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिलेगा टाटा पावर शेयर के अंदर। और कल हो सकती है दोस्तों स्टॉक में बड़ी तेजी, क्योंकि काफ़ी टाइम से शेयर कंसोलिडेट कर रहा है और हो सकता है कल के दिन एक स्टॉक में ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिले। और क्या होंगे 29 जून के टारगेट, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम खबर की बात करें तो खबर निकल कर आती है सोलर सिस्टम एंड आर्म ऑफ टाटा ग्रुप पावर प्लेट सेड इट कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ 101 मेगावाट पीक। जी हाँ दोस्तों, केरला में 101 मेगावाट पीक का एक सोलर पावर प्लांट कमीशन किया है, जो कि 350 एकड़ का है, जो कि वाटर बॉडी कयाकुलम केरला में होता हुआ देखने को मिलेगा। तो एक खबर आप कह सकते हैं कि एक ऑर्डर की निकलती हुई आ रही है, टाटा पावर कमीशन करने वाला है 101.6 मेगावाट पीक पावर प्लांट को, जो कि केरला में बैक वाटर्स में होने वाला है। एंड आज की अगर बात कर ले तो लगभग दोस्तों लोस से, इंट्राडे के लोस से 2% की रिकवरी टाटा पावर के शेयर में आती हुई देखने को मिली और एग्जैक्टली अपने हाई से 40 से 50% नीचे शेयर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो लगभग आप मान लीजिए दिन के हाईस पर शेयर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। एंड अगर अपन बात करें खबरों की, तो दोस्तों एक दिन पहले ही खबर निकल कर आती है मॉर्गन स्टैनली बियरिश ऑन टाटा पावर, और टारगेट जो दिया गया है वो लगभग दोस्तों 150 रुपीज़ का दिया गया है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। तो मॉर्गन स्टैनली बियरिश होते हुए देखने को मिले टाटा पावर पर, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर उस दिन पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा था और आज के दिन भी दोस्तों स्टॉक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। बाकी के अगर अपन बात करें ब्रोकर्स ने, तो मई में ब्रोकिंग हाउसेज के टारगेट आए थे, इसमें 315 रुपये तक के टारगेट दिए गए थे। ये जो टारगेट दिया गया वो सबसे लो दिया गया है टाटा पावर का, बट डेफिनेटली इस टारगेट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और स्टॉक के आप थिंक सो पॉजिटिव होने के ज्यादा चांसेस है। अब अगर बात कर ले आज के मार्केट्स की, तो आप देख सकते हैं आज के दिन निफ्टी में 18 अंकों की तेजी आती हुई देखने को मिली है। अगर लोस से देखें तो 118 अंकों की रिकवरी जो है वो निफ्टी आज करता हुआ देखने को मिला है, और लगभग दिन के हाई से 20-25 पॉइंट्स नीचे शेयर निफ्टी क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। और डेफिनेटली मार्केट ने आज काफ़ी पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में कामकाज किया, काफ़ी अच्छा कामकाज किया है। एंड अगर बात करें निफ्टी एनर्जी की, तो 1% का उछाल आपको निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में देखने को मिल रहा था, बट उसके बावजूद टाटा पावर के शेयर में आज तेजी नहीं थी। तेजी कहाँ थी आज? ONGC, BPCL, HPCL इन जैसे शेयरों में आज काफ़ी अच्छी तेजी थी, लेकिन टाटा पावर का शेयर लोअर लेवल से सिर्फ आज रिकवरी करता हुआ देखने को मिला है। दिन की रेंज की अगर बात करें तो दोस्तों 9:15 का दोस्तों इंट्राडे में हाई लगाता है, क्लोजिंग आती है दोस्तों 8.65 रुपये पर। तो डेफिनेटली दोस्तों क्लोजिंग काफ़ी अच्छी आती हुई देखने को मिली और अपने हाई से मात्र 40 पैसे नीचे शेयर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। एंड अगर वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, आज जिस हिसाब से मार्केट साइडवेज था, इसलिए ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो था वो टाटा पावर शेयर में नहीं होता हुआ देखने को मिला। इसलिए कारण दोस्तों आज मात्र 1 करोड़ की वॉल्यूम आपको टाटा पावर के शेयर में आती हुई देखने को मिली है। एंड अगर अपन बात कर ले अब स्टॉक के रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस केवल 3 आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब 210 रुपये के नीचे एक भी रेजिस्टेंस नहीं है, 210.60 रुपये का रेजिस्टेंस है, 213 रुपये का रेजिस्टेंस है एंड 214.50 रुपये का रेजिस्टेंस है। ये तीनों रेजिस्टेंस दोस्तों अब स्टॉक में काम में आने वाले हैं और कल के दिन डेफिनेटली दोस्तों मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी ने सुना ही होगा कि जियो जो आप कह सकते हैं उससे रिजाइन किया गया मुकेश अंबानी सर के द्वारा, तो उससे एक बड़ा इंपैक्ट आप कह सकते हैं कि मार्केट पर पड़ सकता है, और वो इंपैक्ट दोनों तरफ का हो सकता है, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। बट डेफिनेटली कल के दिन आई थिंक सो एक अच्छा ब्रेकआउट मार्केट्स में आता हुआ देखने को मिलेगा, और उस ब्रेकआउट के चलते डेफिनेटली टाटा पावर फोकस में रहने वाला है। और कल के दिन 214.50 रुपये का जैसे ही रेजिस्टेंस क्लियर करेगा, वैसे ही ये शेयर आपको इंट्राडे में 5% तक का स्विंग दे सकता है। तो डेफिनेटली कल के दिन 214 रुपये का मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाटा पावर शेयर के लिए। ब्रोकर रिसर्च और भी अगर अदर ब्रोकर्स की माने, तो शेयर खान की माने तो 315 रुपये का लक्ष्य मई महीने में दिया था उन्होंने, एंड अप्रैल में ICICI सिक्योरिटीज़ ने 262 रुपीज़ से टारगेट दिए गए थे, होल्ड की रेटिंग दी गई थी। एंड वॉल्यूम की अगर बात करें, आज मार्केट कैपिटल की अगर बात करें तो 66,600 करोड़ की कंपनी की करंटली मार्केट वैल्यूएशन है। एंड आप देख सकते हैं अडानी पावर भी आज नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, डेफिनेटली टाटा पावर ने कंपैरेटिवली आज काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। एंड अगर आप बात कर लेते हैं स्टॉक के चार्ट्स की, तो चार्ट्स पर क्लियरली एक रेंज स्थापित होती हुई देखने को मिल रही है, जो कि रेंज है सबसे पहली रेंज जो है वो हाइयर साइड की रेंज है, जो कि 260 से 300 है। स्टॉक में ब्रेकआउट आया था 260 के लेवल से और 300 रुपये तक शेयर किया था, एंड देन उसके बाद लोअर लेवल पर 260 रुपये का जैसे ही इसने सपोर्ट तोड़ा, गिरावट बनती है लगभग 200 रुपये के नीचे 195 रुपीज़ तक। एंड अभी स्टॉक जिस रेंज में कर रहा है वो लोअर रेंज में आप कह सकते कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि 190 से 240 का।
हाइयर साइड पर जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे शेयर ब्रेकआउट देता जाएगा। अभी हाइयर साइड पर जो शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस आने वाला है वो है 240 रुपीज़ का। जैसे ही 240 का जो लेवल है ये शेयर तोड़ेगा देन आपको 260, 280 एंड 300 तक के इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए डेफिनेटली लोअर रेंज में भी आपको शेयर मिल रहा है तो इस रेंज में आप शेयर के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि फ्यूचर डेफिनेटली ईवीज का रहने वाला है। टाटा पावर उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। अदर आप कंपनीज ऑटो व्हीकल्स भी ले ले, अदर कंपनीज ऑटो व्हीकल भी ले, उनको जो आप कह सकते कि पावर मिलने वाली है वो टाटा पावर ही देने वाला है और डेफिनेटली फ्यूचर काफी पॉजिटिव टाटा पावर का। एंड अब अगर बात कर लेते हैं अपन इंट्राडे के लेवल्स की कल के, तो इंट्राडे में मुझे लगता है कि दोस्तों कल के दिन 207 रुपये से 209 रुपये एक अच्छी बाइंग जोन रह सकती है। इस जोन में आपको स्टॉक के अंदर बाइंग करनी होगी, थोड़ा डिप में मिले तो ज्यादा अच्छा होगा खरीदारी करने का। एंड कल के दिन जो टारगेट नंबर 1 होगा वो होगा 212 रुपये एंड टारगेट नंबर 2 होगा 214 रुपये। तो खरीदारी की सलाह होगी टाटा पावर के शेयर के अंदर। 214 रुपये तक के लक्ष्य कल के दिन टाटा पावर के शेयर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों बाइंग रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख लीजिए और कल के दिन डेफिनेटली टाटा पावर का शेयर आपको एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। अब अगर बात कर ले 250 रुपये का लेवल कब तोड़ेगा शेयर, तो दोस्तों 250 रुपये का लेवल ये आने वाले 1 से 2 महीने में डेफिनेटली तोड़ सकता है क्योंकि इसके कारण काफ़ी सीधे साधे कि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन कर दिया है। अब जितना ज़्यादा मार्केट ने आप कह सकते हैं कि बॉटम रेंज बना ली है वो 1500 से 1500-1300, अब मार्केट डेफिनेटली यहाँ से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर 16,300 से 17,000 की रेंज में मार्केट घुस जाता है तो डेफिनेटली टाटा पावर का शेयर आपको 240 से 250 की रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। अब जो भी आप कह सकते हैं कि मूवमेंट होगा टाटा पावर के शेयर में वो मार्केट पर डिपेंडेंट होगा। अगर मार्केट यहाँ से तेज़ी करेंगे, अगर 16,300 का जो लेवल है 16,300-16,500 का लेवल है मार्केट तोड़ेंगे तो डेफिनेटली ये शेयर 250 का 270 रुपये का भी लेवल इजीली रीच कर सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो, ओवरऑल मैं टाटा पावर के शेयर में बुलिश हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।